हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है टीआरटी। टीआरटी यानी कि टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसे काफी लोग एचआरटी के नाम से भी जानते हैं, जो कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होता है। मतलब रिफर इसी से करते हैं, टीआरटी से ही, टेस्टोस्टेरोन से ही करते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे हार्मोन्स का रिप्लेसमेंट और इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए एचआरटी कहते हैं। चलिए, ये तो हो गई बात कि क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, तो जानते हैं व्हाट टीआरटी रियली मींस। सो इट मींस दैट आप सिंथेटिकली बाहर से टेस्टोस्टेरोन लगाना शुरू कर दे अपनी बॉडी में एक रेगुलर बेसिस पे एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ योर नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, उसे हम कहते हैं टीआरटी यानी कि टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो इसका जनरली यूज कब होता है, जब मान लीजिए आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी है, मतलब आप खुद से इतने सक्षम नहीं है कि आप उतना टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर पाए जो आपकी मसल बिल्डिंग हैम्पर कर रहा हो या फिर अदर बॉडीली फंक्शंस में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, इसलिए आप एक्सटर्नली टेस्टोस्टेरोन रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं, या तो एक ये रीजन है। दूसरा कि जब आपकी एज ज्यादा हो जाती है, यानी कि आप 40 क्रॉस कर गए, 50 क्रॉस कर गए, और अब आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन कर रहा है, यानी कि अब उसका लेवल उतना नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। पहले आपका लेवल 300 से 900 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर होता था, लेकिन अब आप लोअर एंड में हैं, या फिर आप 300 से नीचे चले गए हैं, उस केस में आप चाहे तो टीआरटी का यूज कर सकते हैं। देखिए, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, जब आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जा रहा है, तो फिर आपको जितना जितना आपने मसल मास गेन किया है इतने सालों में मेहनत करके, तो 50-60 क्रॉस करने के बाद वो कम होना शुरू हो जाता है टेस्टोस्टेरोन के कम होने के साथ। तो उस मसल मास को सस्टेन करने के लिए, ताकि वो मसल मास आपका ना गिरे, आप टीआरटी को उपयोग में लीजिए। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब जरूरत पड़ती है तब आपको इसको लेना चाहिए। टीआरटी है अंधों में काड़ा राजा, इट इज लेस डेंजरस, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। ये नहीं कि आपका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल है उसके बाद भी आप जाकर के टीआरटी करवाने लगे, ये चीज ठीक नहीं है। आपका नॉर्मल एंड में है तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर टीआरटी वो लोग भी यूज करते हैं जो बॉडी बिल्डर रहे हैं अपने टाइम पे, जिन्होंने इंजेक्ट किया है हॉर्मोन्स बहुत सारे, एक्सटर्नली बहुत सी चीजें ली हैं, लेकिन फिर वो जो मसल मास उनका हो गया, वो सब कुछ गलत चीजें छोड़ करके अपने उस कुछ मसल को सस्टेन करना चाहते हैं, लेकिन उनका नेचुरल प्रोडक्शन अब बर्बाद हो चुका है, तो वो लोग भी टीआरटी का यूज करते हैं ताकि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकें, और कुछ जो मसल मास उनका थोड़ा बहुत बचा है उसको रख पाए वो आगे के लिए। ये देखिए, ये लेस डेंजरस इसलिए होता है क्योंकि सब कुछ एडमिनिस्टर्ड होता है, सब कुछ आप मेडिकल प्रोफेशनल के अंडर रह के करते हैं। इसका जो डोजेज रहता है वो वीकली चलता है या फिर हर 2 हफ्ते पे चलता है, तो कुछ वही 100 मिलीग्राम से लेके 150 मिलीग्राम तक वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन जितना उनको जरूरत रहता है उतना दिया जाता है। तो इसमें एक ये फायदा है, लेकिन हाँ, अगर आप परफेक्टली फाइन है उसके बाद आप टीआरटी पे जा रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है वो आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन पे इफेक्ट तो करेगा ही। इसीलिए मैं कहूंगा कि जब तक आपको जरूरत नहीं है तब तक आप टीआरटी पे ना जाइए। बॉडी बनाने के लिए आपको कभी भी स्टेरॉइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी गाइस, इट टेक्स टाइम। और टीआरटी सभी के लिए नहीं है, लेकिन अगर आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन कर रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, आप ओल्ड हो गए हैं, आप उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहे हैं, आपकी एज ज्यादा हो गई है, कोई आप गेयर छोड़ कर आए हैं, एज अ रिहैबिलिटेशन आप इसको चला सकते हैं, लेकिन नॉर्मल यूज के लिए ये चीज नहीं है। अंधों में काड़ा राजा वाली स्थिति है ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको आपको लेना ही लेना है, ठीक है। तो ये रिप्लेसमेंट थेरेपी है, ये उनके लिए है जिनको जरूरत है, याद रखिए, हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है। थैंक यू।